नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि मंगलवार के दिन सपने में बंदर देखना कैसा होता है या सपने में शनिवार को बंदर देखना कैसा होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति को बंदर के अंदर हनुमान जी का स्वरूप दिखाई देता है, इसलिए जब भी हमें बंदर को कुछ खिलाने का मौका मिलता है तो हम उसे जाया नहीं होने देते हैं। जब हमें मंदिर में बंदर के दर्शन हो जाते हैं तो हम खुद को खुश नसीब मानते हैं। अगर बंदर हमारे हाथ से कोई वस्तु खा लेता है तो ये पल जीवन का सबसे बेहतर पल माना जाता है। जय श्री राम। दोस्तों, हम भगवान से आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, शास्त्रों में दिए गए प्रमाण के अनुसार हनुमान जी वानर प्रजाति के थे, जो कि बंदर प्रजाति से उच्च श्रेणी के थे। इसलिए हमें जब भी बंदर दिखाई देता है तो हम उस बंदर को हम नमन करने लग जाते हैं, क्योंकि बंदर का मनमोहक रूप हमें हनुमान जी याद दिलाता है। हमें बंदर में हनुमान जी की मूरत दिखाई देती है। अगर हम किसी यात्रा पर जा रहे होते हैं और हमें बंदर के दर्शन हो जाते हैं तो निश्चित ही हमारी यात्रा सफल हो जाती है। दोस्तों, हनुमान जी की विशेष पूजा मंगलवार को होती है, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार बालाजी का जन्म मंगलवार को हुआ था। इसके साथ ही मंगलवार को पूजा करने से हमारे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि इस दिन ग्रहों की दिशा एकदम सही होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मंगलवार को बंदर दिखाई देना कैसा होता है या सपने में मंगलवार के दिन बंदर दिखने का क्या अर्थ है। साधारण अर्थ में मंगलवार के दिन बंदर दिखना हमारे लिए शुभ संकेत माना जाता है, जबकि सपने में मंगलवार के दिन बंदर देखना कई अर्थों को दर्शाता है। तो चलिए एक एक सपने को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सके। इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें, ताकि इस बहाने हनुमान जी का नाम लिया जा सके। आपको जब भी मौका मिले बंदरों को खाना खिलाएं। तो चलिए दोस्तों, बंदर से संबंधित एक एक सपने को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मंगलवार के दिन सपने में बंदर दिखना कैसा होता है। दोस्तों, हमें पता है कि हनुमान भक्तों के लिए मंगलवार का दिन किसी उत्सव से कम नहीं माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी हमारे सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। ये दिन पूर्ण रूप से भक्तों को समर्पित होता है। इस दिन भगत हनुमान जी से जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। अगर आपको सुबह सुबह बंदर के दर्शन हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका दिन शुभ रहेगा, आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा होने वाली है। आप दिन में जिस व्यक्ति से मिलोगे उसके दिल में अपनी जगह बना लोगे। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जा रहे होते हैं तभी कोई बंदर आपके सामने आकर आपसे प्रसाद मांगने लगता है या आपकी तरफ आता है, तो इसका अर्थ है कि आप मंदिर में जिस कामना को लेकर जा रहे हैं वो आपकी कामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। आपकी जिंदगी से सारे कष्ट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अगर आपको मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के पास बैठा बंदर दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसकी देख रेख में आप आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके जीवन में सफलता मिलती रहेगी। देखते ही देखते आप सफलता के उस शिखर पर पहुँच जाएंगे जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रहे थे। सपने में शनिवार के दिन बंदर देखना कैसा होता है। दोस्तों, वैसे शनिवार शनिदेव का माना जाता है, लेकिन हनुमान जी ने शनिदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए शनिदेव के साथ हनुमान जी का नाम भी लिया जाता है। बात करें सपने की, अगर सपने में शनिवार के दिन बंदर दिखाई देता है तो ये सपना हमारे लिए शुभ संकेत देता है। ये सपना आत्मविश्वास बढ़ने और छुपी हुई शक्तियों के जागृत होने का संकेत भी देता है। अगर सपने में शनिवार के दिन बंदर को मंदिर में बैठे हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपके हाथों से रचनात्मक कार्य होने वाले हैं, जिसके चलते आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अगर सपने में शनिवार के दिन बंदर को मंदिर में बैठे हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपके हाथों से रचनात्मक कार्य होने वाले हैं, जिसके चलते आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि हनुमान की पूजा मंगलवार के दिन ही क्यों की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए विशेष है। बंदर से संबंधित बुरे सपने आने पर आप ये उपाय करें, बंदर को हमारी आस्था के अनुसार हनुमान जी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि भगवान की मूरत एक बंदर की तरह थी। अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो आपको निरंतर हनुमान जी के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है कि संकट कटे हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा,
यानी जो हनुमान जी का जाप करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। अगर आपको डर लगता है तो भी आपको हनुमान जी का जाप करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब हनुमत नाम सुनाए। इसके साथ ही आप अगर राम नाम का जाप करते हैं तो आप पर नकारात्मक सपना प्रभावी नहीं होगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।